नमस्कार, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपने कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2015 कैसा रहेगा विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष में 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वर्ण ब्राह्मण है। प्रकृति कफ प्रकृति है। वृश्चिक राशि का चिन्ह बिच्छू है, स्त्री राशि है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति परिश्रमी, साहसी, सहनशील, व्यवहार कुशल लेकिन स्पष्टवादी होते हैं। स्वभाव से घमंडी, जिद्दी होते हैं। दूसरों की गलतियां निकालने में माहिर होते हैं। आलोचक होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं। जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। गंभीर प्रकृति के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, उत्साही होते हैं लेकिन स्वभाव से चंचल होते हैं। कभी कभी अधिक क्रोध करते हैं। तर्क शक्ति अधिक होती है। दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है। अपने सभी कार्यों को पूरे इंटरेस्ट और मेहनत से करते हैं। सेविंग्स अधिक करते हैं। भौतिक सुखों के प्रति मोह अधिक होता है। धार्मिक होते हैं। वर्ष 2015 1 जनवरी को ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार है। वृश्चिक राशि की 6.5 चल रही है। शनि पूरे वर्ष भर वृश्चिक राशि में ही ट्रांजिट करेगा। जन्मकालीन चंद्रमा पर शनि का ट्रांजिट मानसिक पीड़ा देता है। हेल्थ खराब रहेगी, शारीरिक पीड़ा रहेगी, मान सम्मान में कमी आएगी, घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, व्यवसाय में हानि होती है, नौकरी में कष्ट होता है, स्थान परिवर्तन होने का अधिक चांसेस है, मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लाभ कम होता है। गुरु ट्रांजिट में दूसरे 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। गुरु जन्मकालीन चंद्र से 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति होगी। धन लाभ भी होगा। पुत्र से सुख प्राप्त होगा तथा पुत्र को भी लाभ होगा। लेकिन 14 जुलाई 2015 से गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तथा वर्ष के अंत तक वहीं स्थित रहेगा। गुरु के 9th हाउस में जो ट्रांजिट के कारण शुभ फल प्राप्त हो रहे थे उन सभी फलों में कमी आ जाएगी। व्यर्थ की यात्राएं भी होंगी। केतु वृश्चिक राशि के 5th हाउस में गोचर कर रहा है तथा केतु के 5th हाउस में गोचर से जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। संतान को हानि होगी। लेकिन राहु 11th हाउस में गोचर कर रहा है। 11th हाउस में सभी ग्रह
शुभ फल देते हैं। 11th हाउस में राहु के ट्रांजिट से भाग्य में अचानक वृद्धि होगी, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, नौकरी में उन्नति होगी, सुखों में वृद्धि हो जाएगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2015 मिला जुला फल ही देगा। राशि स्वामी मंगल जन्मकालीन चंद्रमा से त्रिशदाय भावों में शुभ फल देता है, अन्य भावों में शुभ फल नहीं देता है। मंगल वर्ष के आरंभ में 4 जनवरी 2015 तक थर्ड हाउस में उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा मंगल मेष राशि यानी 6th हाउस में 23 मार्च 2015 से 3 मई 2015 तक तथा 3/11/2015 से 24/12/15 तक कन्या राशि में गोचर करेगा। व्यक्ति के साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, मकान जमीन जायदाद से भी लाभ होगा। 2015 में वृश्चिक राशि वालों को कभी शुभ कभी अशुभ फल प्राप्त होंगे। शनि की साढ़े सती के अशुभ फलों में कमी लाने के लिए वृश्चिक राशि वाले वर्ष के प्रारंभ में ही काले घोड़े की नाल या समुद्री नाव की कील से लोहे की अंगूठी बनवाकर शुक्ल पक्ष में शनिवार को सूर्यास्त के बाद अभिमंत्रित करके धारण कर लें। प्रतिदिन शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनेश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप प्रतिदिन करें। अपनी राशि यानी कि वृश्चिक राशि को बलि करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सब भौमाय नमः की एक माला यानी 108 बारी मंत्र जाप अवश्य करें। नमस्कार।